हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी कि पीलिया। तो ये मोस्ट ऑफ द जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो नवजात शिशु है, तो उन लोगों में दिखाई देता है। तो ये किस वजह से होता है यानी कि इसके कॉजेस क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी कि पीलिया जो न्यूबॉर्न बेबी में दिखाई देता है। न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जो नवजात शिशु है तो उसमें दिखाई देता है। उन लोगों में 4 to 5 days के बाद ये जो जॉइंटिस है तो ये जॉइंटिस दिखाई देता है। ये एक जॉइंटिस बहुत कॉमन है। 98 बेबीज को जो भी मीन्स न्यूबॉर्न शिशु है तो वो न्यूबॉर्न शिशु को दिखाई देता है। तो ये जॉइंटिस क्यों होता है, जो भी छोटे बच्चे हैं यानी कि जो भी नवजात शिशु है, तो क्योंकि उन लोगों में क्या होता है, जो बिलिरुबिन है तो वो बढ़ जाता है यानी कि हाई हो जाता है। इस वजह से ये जॉइंटिस होने का चांसेस रहता है। बट ये जॉइंटिस बहुत ही कॉमन है और ये अपने आप चला जाता है। बट समटाइम क्या होता है, ये बहुत दिन तक रहेगा, तो वो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखने वाले है कि ये जॉइंटिस है, जॉइंटिस यानी कि पीलिया है, तो इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। तो फर्स्ट है हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी दिखाई देता है, ये बहुत ही कॉमन है। देन सेकेंड है जिस मदर का आरएच नेगेटिव रहेगा, तो इस वजह से भी वो जो न्यूबॉर्न बेबी है तो वो न्यूबॉर्न बेबी को जॉइंटिस होने का चांसेस रहता है। तो थर्ड है जो भी न्यूबॉर्न बेबी है और मदर है तो वो दोनों का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं रहेगा यानी कि डिफरेंट टाइप का रहेगा, तो भी जॉइंटिस होने का चांसेस रहता है। देन फोर्थ है पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग यानी कि अच्छे से वो बच्चे को जितना फीड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी जॉइंटिस होने का चांसेस रहता है। देन लास्ट है कुछ इन्फेक्शन रहेगा, जो न्यूबॉर्न बेबी है तो वो न्यूबॉर्न बेबी को कुछ इन्फेक्शन रहेगा या कुछ बीमारी रहेगी, तो भी ये जॉइंटिस होने का चांसेस रहता है। तो ये थे कॉजेस, कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो फर्स्ट है जो भी न्यूबॉर्न बेबी है यानी कि जो नवजात शिशु है, तो उसका स्किन पूरा येलो कलर का दिखता है। देन सेकेंड है ये बेबी का जो आइज है तो वो आइज भी येलो कलर का दिखता है। ये सिम्टम्स आपके न्यूबॉर्न बेबी में दिखाई देते हैं, तो नियर बाय जो भी डॉक्टर है यानी कि जो पीडियाट्रिशियन है, तो वो पीडियाट्रिशियन को दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक कॉमन है, अपने आप चला जाता है, बट सम टाइम डेंजर भी हो सकता है, तो वो डॉक्टर को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, तो सम टाइम डॉक्टर सनलाइट भी एडवाइस करते हैं यानी कि घर पे ही हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फोटोथेरेपी यानी कि ब्लू लाइट भी बोलते हैं, तो बेबी को ज़्यादा ही ये जॉइंटिस रहेगा तो वो बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू वो जो न्यूबॉर्न बेबी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूबॉर्न बेबी के कंडीशन के ऊपर डॉक्टर सम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया है तो वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जॉइंटिस के बारे में। तो कैसी लगी ये जानकारी, ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।